दोस्तों, ये मेरे दो पुराने स्टैंड हैं जो मैंने आज से 4 साल पहले खरीदे थे। अब मैं इनको पेंट करके कुछ नया बनाने की कोशिश करूँगी, तो आप देखिए कैसे करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं कुछ अपने स्टैंड को पेंट करने जा रही हूँ। तो ये मेरा एक वाइट स्टैंड था और एक मेरा वो ब्लैक था, मेरा ब्लैक स्टैंड था, तो इसको तो मैंने ब्लैक ही कर दिया है, ये कंप्लीट हो गया है। और इसको भी मैं सोच रही हूँ वाइट वाले को, इसको भी मैं ब्लैक पेंट करूँगी। तो सबसे पहले तो हम इसको साफ़ कर लेते हैं, इसमें जो धूल मिट्टी है उसको हटा देते हैं। तो इसकी सब धूल मिट्टी मैं इस तरीके से कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेंट ही कर दूँगी, क्योंकि इसमें जगह जगह आप देख सकते हैं कुछ रस्टेड हो गया है, ये जंग लग गई है। तो अब हम इसको भी शुरू करते हैं। ब्लैक पेंट है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी कोशिश करके देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई देगा। तो कोशिश करने में क्या जाता है, फिर आपको दिखाएंगे कि बाद में ये कैसे लगता है। फ्रेंड्स, इसमें एक कोट होने वाला है, उसको करने के बाद जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं दूसरा कोट करूँगी इसमें। और बहुत टाइम लग रहा है फ्रेंड्स इसमें करने में, क्योंकि इसके अंदर अंदर करना है, तो वाइट के ऊपर थोड़ा ब्लैक मुश्किल होता है। और जब ये पूरा हो जाएगा और सूखने के बाद में मैं दूसरा कोट करूँगी और अंत में आपको फाइनल इफेक्ट इसका दिखाऊँगी, ये कैसा लग रहा है। इसमें जंग बहुत लग गई थी, बीच बीच में से हट भी गई है जंग, तो ऐसे करने से थोड़ा सा लुक इसका बदल जाएगा और ये अच्छा लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, बस एक कोट हो गया, इसको मैं सूखने देती हूँ। तो दोस्तों, इसमें 3 कोट से काम नहीं चला है, बहुत ही गंदा हो गया था ये। और अब मैं इसमें 4th कोट दे रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेहनत मुझे इसमें करनी पड़ी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ देखिए, मेरा तैयार हो गए हैं दोनों स्टैंड बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नया लुक इनका लगने लगा है। तो बहुत खुशी हो रही है कि पुरानी चीज़ को भी हमने नया बना दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि आपके भी ऐसे ख़राब हो जाते हैं तो आप भी पेंट करके नया बना सकते हैं।